ओम शांति। हाइपरटेंशन सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि हर कोई डरता है भाई बीपी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही बीपी बढ़ेगी हमें पता है हार्ट पे प्रेशर आएगा। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि किस तरह का डाइट हमें लेना चाहिए अगर हम हाइपरटेंशन का शिकार हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो सॉल्ट है, नमक, बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें सोडियम है। सोडियम हम जितना ज़्यादा लेंगे हमारी ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम सेंधा नमक लेना शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डाइट में रॉ फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सलाद, फ्रूट्स, जूस और नट्स, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम जितना ज़्यादा पका हुआ खाना खाएंगे तो हम उसमें तेल मसाले ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा अपना रॉ फूड रखेंगे। और एक बात कि जितने भी पैकेटेड फूड होते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ना पैकेट फूड खोल के खाना, तो हर पैकेट फूड जो आपको मिलता है उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बहुत डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आपके बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी पैकेट वाली फूड आप घर पे ना लाएं। और एक बात कह दूं कि सूप अगर आपको पीना है तो घर में ताज़े सब्जियों का सूप बना के पिए, क्योंकि हम पैकेट वाली जब सूप लेते हैं तो उसमें भी बहुत डेंजरस होता है, उसमें भी प्रोसेसिंग बहुत हुई होती है। तो सारे प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट को अगर हम बंद कर दें तो हमारा बीपी अपने आप नॉर्मल रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने डाइट में डिसिप्लिन ज़रूर रखिएगा, टाइम टू टाइम खाना खाइएगा। और इसके अलावा जो बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज और मर्दन चिकित्सा, वो हम अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।